हेलो एवरीवन, थंबनेल देख के पहचान लिया हो कि आज क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं कि आज मिल्खा सिंह जी का स्केचिंग बना रहे हैं हम। पार्ट वन में ग्रिड लाइन का यूज करके मैंने उस पर आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए बता दिया है। आउटलाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है मैंने उसमें बता दिया। अभी सिर्फ यहाँ पे आउटलाइन के बाद जो मिक्सिंग होता है, फिनिशिंग किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग देख के आराम से समझ जाएंगे। जहाँ जरूरत हो वहाँ पे फास्ट कर देंगे वीडियो को, जहाँ लगेगा कि यहाँ समझने लायक है तो वहाँ पे वीडियो को स्लो कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा लग रहा है। मिल्खा सिंह जी जानते हैं कि हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया रेसलर थे, इंडिया का बहुत अच्छे रेसलर थे, नेशनल लेवल तक बहुत सारे मैच खेले हुए थे, मेडल बहुत सारे जीते हुए थे। इन्हीं के मिल्खा सिंह जी के नाम पर ही एक फिल्म भी बना है, इनके जीवनी के आधार पर एक फिल्म भी बना है। आई होप कि मैंने एक स्केचिंग बनाया तो उसे शायद आप लोगों को कुछ अच्छा लगे, अच्छा स्केचिंग लगे, कुछ सीखने को मिले उसे। आई होप कि आप सब कमेंट करेंगे कैसा लगा कैसा नहीं लगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे बनाया जाए। ओके, we'll be right back.
Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness of myself. Hey, Mr. Bully, what'd you think when you pushed me out of my own head where everything made sense? Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on. Holding on to your lies. Where do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll carry on. Say it's over. When nothing's closer to what you're fighting for. When you destroy what is inside.